बैंक ऑफ बड़ौदा जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। दोस्तों आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट घर बैठे वीडियो केवाईसी के थ्रू कैसे खुलवा सकते हैं ताकि आपको बैंक जाने की जरूरत ना हो। दोस्तों इसके दरमियान आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है और किन किन टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करके आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए कैसे एलिजिबल हो सकते हैं। दोस्तों इस अकाउंट को ओपन होने के बाद हम लोगों को तुरंत अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, चेकबुक, एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग, पासबुक, ये सारी चीजें हम लोगों को कब और कैसे मिलती है ये भी हम लोग इसी वीडियो में आगे जानेंगे। तो आइए जानते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको लाइव वीडियो केवाईसी करके दिखाने वाला हूं, तो आइए देखते हैं। दोस्तों इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, जहाँ की आपको एक लिंक दिया गया है उसे टैप करना है, तब वो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के उस पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां से कि आप बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। अब आपके सामने कुछ कॉलम खुलेंगे, जिसमें कि सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। तब आपके ईमेल एड्रेस पे एक मेल भेजा जाता है, जिसे कि आपको ओपन करना है। दोस्तों वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जिसे कि आपको क्लिक करना है। तब आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। तब आपके सामने दूसरा कॉलम खुलकर सामने आएगा, जिसमें कि आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। दोस्तों अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाता है, जिस ओटीपी को आपको नीचे तीसरे कॉलम में एंटर कर देना है। अब आपके सामने कुछ चेकबॉक्स दिखेंगे दोस्तों, जिसे कि आपको अपने हिसाब से टिक कर लेना है। जैसे कि अगर आप माइनर हैं, मतलब आपका उम्र 18 वर्ष से कम है, तो आपको पहले कॉलम में टिक कर देना है। अगर आप इंडियन हैं, तो आपको सेकंड कॉलम में टिक कर देना है। दोस्तों अगर आप पॉलिटिकल पर्सन नहीं हैं, तो आपको थर्ड कॉलम में टिक कर देना है। दोस्तों वहीं अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं हैं, यानी कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले से कस्टमर नहीं हैं, तो आपको लास्ट वाले कॉलम में भी टिक कर देना है। दोस्तों इसी तरह से आपको सारे कॉलम को यहाँ पे टिक कर देना है। अब आपके सामने एक सर्किल जैसा बॉक्स दिखेगा। दोस्तों अगर आप इंडिया में टैक्स पे करते हैं और किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं पे करते हैं, तो आपको उस सर्किल वाले चेकबॉक्स के ऊपर टिक कर देना है। दोस्तों फिर आपको नीचे तीन चेकबॉक्स दिखेंगे। पहले चेकबॉक्स में आपको टिक कर देना है। तब आपके सामने एक पॉपअप खुलेगा, जिसमें कि आपको अच्छे से पढ़ लेना है और नीचे एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों इसी तरह से अब आपके सामने दो और चेकबॉक्स दिखेंगे। दोस्तों उसे भी इसी तरह से टिक कर लेना है और फिर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने दो कॉलम खुलेंगे, जिसमें कि सबसे पहले कॉलम में आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है और दूसरे कॉलम में आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। दोस्तों फिर आपको नीचे दो चेकबॉक्स दिखेंगे, जिसे कि आपको टिक कर देना है। तब आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, जिसे कि आपको नीचे इस कॉलम में एंटर कर देना है। फिर आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड का डिटेल शो होगा। दोस्तों इसे आपको ऊपर स्लाइड करना है और नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको अपना पर्सनल डिटेल एंटर करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें कि आपको सबसे पहले अपने फादर्स का टाइटल एंटर करना है, उसके बाद फादर्स का फर्स्ट नेम और फादर्स का लास्ट नेम यहाँ पे एंटर कर देना है। दोस्तों उसी तरह से आपको अपने मदर्स का टाइटल एंटर करना है, उसके बाद मदर्स का फर्स्ट नेम और मदर्स का लास्ट नेम एंटर कर देना है। फिर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद आपके ऊपर कितने लोग निर्भर करते हैं, मतलब आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, उसे भी आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। फिर डिसएबिलिटी सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ एंटर करना है, मतलब आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, वो आपको अपने हिसाब से एंटर कर लेना है। अब आपको अपना एजुकेशनल लेवल यहाँ पे पूछा जाएगा, जिसे कि आपको अपने हिसाब से एंटर कर लेना है। अब आपको अपना एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो उसे भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों अब आपसे आपका एनुअल इनकम पूछा जाएगा, जिसे कि आपको अपने हिसाब से एंटर कर लेना है। दोस्तों अब आपको अपना कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, जिसे कि आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना ऑक्यूपेशन अपने हिसाब से एंटर कर देना है। दोस्तों अब आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, मतलब अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको मैरिड सेलेक्ट करना है, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको अनमैरिड सेलेक्ट कर लेना है। अब आपसे नॉमिनी डिटेल ऐड करने के लिए बोला जाएगा। दोस्तों अगर आप अपना नॉमिनी डिटेल ऐड करना चाहते हैं,
तो नीचे नॉमिनी का डिटेल ऐड कर देना है। और अगर आप अभी अपना नॉमिनी डिटेल नहीं ऐड करना चाहते हैं तो इसे आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब आपको नो के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों अब आपसे बोला जा रहा है कि आप कौन कौन सा एडिशनल सर्विस यूज करना चाहते हैं। जैसे अगर आप डेबिट कार्ड यूज करना चाहते हैं तो इसे आपको इस चेकबॉक्स के ऊपर टिक कर देना है। उसी तरह से कुछ और भी एडिशनल सर्विस जैसे नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, SMS अलर्ट, UPI, चेकबुक, ये सारी चीजें भी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उसी तरह से आपको सारे चेकबॉक्स के ऊपर टिक कर देना है और फिर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों अब तक आपने जो कुछ भी डिटेल एंटर किया है वो सारी डिटेल आपको शो होंगे, जिसे कि आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। सब कुछ अच्छे से चेक करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर टिक कर देना है। अब आपके सामने कॉन्ग्रेचुलेशन का एक पॉपअप खुलकर सामने आएगा जिसमें कि आपका CRN नंबर शो होगा। दोस्तों वीडियो KYC कंप्लीट करने के लिए आपको नीचे कंप्लीट योर वीडियो KYC के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपसे कुछ परमिशन मांगा जाएगा जिसे कि आपको अलाउ कर देना है। अब आपका वीडियो KYC स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के तरफ से एक एजेंट आपसे बात करेंगे, जो कि सबसे पहले वो आपसे आपका नेम पूछेंगे, फिर आपका फादर्स नेम पूछेंगे, फिर आपके मदर्स का नेम भी पूछेंगे। दोस्तों उसके बाद आपसे आपका आधार कार्ड को यहाँ पे स्कैन करेंगे, जिसमें कि आपका ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, फिर आपका ओरिजिनल पैन कार्ड स्कैन करेंगे। इस तरह से आपका वीडियो KYC कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका अकाउंट डिटेल्स होगा। इस तरह से आप अपने अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट की तरह कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो में कुछ सिखा पाया हूँ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।